कोडरमा उपायुक्त रमेश घोल अब शनिवार को डोमचांच नगर पंचायत अवस्थित ऐतिहासिक शिव सागर तालाब पहुंचकर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि मानव जीवन और पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। इस मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त आर रोनिटा, गोपनीय प्रभारी जयपाल सोए, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, अंचल अधिकारी मानदेवी प्रिया ने भी पौधरोपण कर स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि उपायुक्त रमेश घोल अपने पौधारोपण करते हुए कहा कि प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ मानव जीवन और प्रकृति के साथ संतुलन के लिए पौधारोपण जरूरी है। वृक्ष हमें जीवनदायी हवा देते हैं। पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। जिले वासियों से अपील है कि वे ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें एवं इसकी देखभाल भी नियमित रूप से करें। शिव सागर तालाब के समीप सभी के द्वारा कुल 50 पौधे लगाए गए। पेड़ में महोगनी, जामुन, कहुआ, गमहर, सागवान जैसे कई फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इसके अलावा शिव सागर तालाब के समीप बना शौचालय को सुचारू रूप से चालू करने का निर्देश छठ समिति और नगर प्रबंधक शशि प्रकाश को दिया। इस मौके पर नगर प्रबंधक शशि प्रकाश, वन प्रवीण कुमार, अजीत जायसवाल, रविकांत यादव, मरांडी छठ समिति के पदाधिकारी, वार्ड पार्षद अनिल यादव आदि मौजूद थे। डोमचांच से संदीप कुमार की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।